वीवो V25 Pro 5G फ़ोन। वैसे ही फ़ोन आपको 5G मिलता है तो क्या कमाल की चीज़ बता दी मैंने आप लोगों को। क्या पता भाई ये क्वेश्चन क्या विषय में आ जाए। बाकी ना आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग इस फ़ोन की थोड़ी सी बुराई करने वाले हैं एंड लास्ट में जाके थोड़ी सी अच्छाई भी करूँगा कि ताकि भाई आप लोगों को ये ना लगे कि मतलब ये तो बुरी बुरी बातें करता है, अच्छी बातें नहीं करता। मैं थोड़ा सा बुरा बुरा हूँ बट मैं थोड़ा सा अच्छा अच्छा भी हूँ। चलो गाइस, मेरा नाम है केशव। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे वीवो V25 Pro के बारे में। वीवो V25 Pro, हाँ सही नाम लिया मैंने, कि ये फ़ोन हमें लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। ये सारी चीज़ मतलब जितनी भी होती है हमेशा का यार वही अपना सारी चीज़ें लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, लेना चाहिए किन लोगों को, लेना चाहिए क्यों नहीं लेना चाहिए, किन लोगों को नहीं लेना, समझ गए ना आप लोग। तो ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। बाकी अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चाहूँ सब्सक्राइब करना, वीडियो को अपने फ्रेंड के शेयर कर लेना, हो सके तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं। अरे 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 गति पर थोड़ा सा ब्रेक लगाओ, काफ़ी तेज है। तो करते हैं इस वीडियो को जल्दी से स्टार्ट। तो देखो भाई, इस फ़ोन के अंदर मेरे को ना 5 बुरी चीज़ें लगी, तो मैं आपको बुरी बुरी चीज़ें बताता हूँ एंड उन्हीं बुरी चीज़ों से आपको फ़ोन की स्पेसिफिकेशन भी लगभग सारी पता चल जाएगी। सबसे पहली बुरी चीज़, इस फ़ोन का प्राइस आपको मिलता है 36,000 का। तो 36,000 पे ओवरऑल अगर आप लोग देखोगे तो ये फ़ोन आपको थोड़ा सा महंगा लगेगा, क्योंकि इस फ़ोन को अगर ये 30,000 या 27-28 पे देते तो काफ़ी मज़ा टाइप आ जाता। बट 36,000 पे मैं इस फ़ोन को बोलूँगा कि थोड़ा सा महंगा है। ऑफलाइन को भी अगर मैं कंसीडर कर लेता हूँ तब भी मेरे को थोड़ा सा महंगा लगा, क्योंकि फ़ोन में ना कुछ बिल्कुल ही अलग नहीं करा गया। मतलब जो ये चीज़ें ऑफर कर रहा है उस लेवल की चीज़ें और उससे थोड़ी सी बेटर चीज़ें इस प्राइस के अंदर दूसरे फ़ोनों में मिल जाती है, तो ये वाली बात है। बाकी अभी हाँ चुगली को आगे स्टार्ट करते हैं। तो पहला अपना पॉइंट हो जाता है कि फ़ोन आपको ओवरऑल थोड़ा सा महंगी साइड में मिलता है, थोड़ा सा वैल्यू फॉर मनी तो नहीं है बिल्कुल भी ये फ़ोन, मैं ये बोलूँगा। 36,000 पे डेफिनेटली आप लोग इस फ़ोन को ये बोलोगे कि हाँ भाई ओवर प्राइस फ़ोन है। अभी बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। तो इस फ़ोन में आपको मिलता है मीडियाटेक डायमेंसिटी 1300। अभी जो प्रोसेसर है काफ़ी सही प्रोसेसर है, कोई ऐसी दिक्कत वगैरह नहीं है इस प्रोसेसर के साथ। बट 36,000 पे आप लोगों को 888+ या फिर 8 Gen 1 जैसे प्रोसेसर मिल जाते हैं, तो मेरे को नहीं लगता डायमेंसिटी 1300 उनके आगे टिक भी पाएगा, तो ये वाला सीन है। बाकी बात करते हैं अपने तीसरे पॉइंट की। तो इस फ़ोन में आपको मिलती है LPDDR4X RAM टाइप, जबकि आपको पता हो कि भाई 12-13-15 हज़ार के फ़ोन में भी किसी किसी फ़ोन के अंदर आपको LPDDR5 RAM टाइप मिलती है, बट इस फ़ोन में 36,000 के प्राइस पे भी आपको LPDDR4X RAM टाइप मिलती है, तो ये चीज़ थोड़ी सी बेकार हो जाती है। बात करते हैं अपने चौथे पॉइंट की। तो इस फ़ोन में आपको सिर्फ मोनो स्पीकर मिलता है, यानी कि सिंगल स्पीकर मिलता है, सख्त स्पीकर मिलता है, जबकि काफ़ी सारे ऐसे फ़ोन है जो आपको 10-11-12-13-15-14 हज़ार के प्राइस पे भी स्टीरियो स्पीकर प्रोवाइड कर देते हैं। हाँ उनके अंदर थोड़ी सी ऑडियो रहती है कि नीचे वाले स्पीकर से 70% आ रही है, ऊपर से 30 आ रही है, बट भाई नामकरण के लिए स्टीरियो तो दे देते हैं। तो वीवो को भी जो दिखता है वो बिकता है, मतलब नामकरण के लिए तो देने ही चाहिए थे स्टीरियो स्पीकर, तो काफ़ी मज़ा टाइप आ जाता। पांचवें पॉइंट की बात करते हो, पांचवें पॉइंट आता है, इसको गिनोगे भी या नहीं गिनोगे आप लोग पॉइंट में, क्योंकि इस प्राइस पे मैं ये चीज़ एक्सपेक्ट भी नहीं करता कि फ़ोन में आपको 3.5 mm का जैक नहीं मिला, क्योंकि इस प्राइस पे 99.99999% फ़ोन नहीं देते 3.5 mm का जैक। कोई एक आधा फ़ोन है जिनका नाम गोल्डन वर्ड से लिखा जाना चाहिए जब वो 3.5 mm का जैक प्रोवाइड कर दे, तो ये वाला सीन है। इस फ़ोन के अंदर आपको 3.5 mm का जैक नहीं मिलता एंड ना ही आपको मेमोरी कार्ड के लिए कोई स्लॉट मिलता 36,000 के प्राइस। वैसे मेरे को लग रहा है जो बंदा 36,000 खर्च करेगा ना वो ईजिली एक नेकबैंड अफोर्ड कर लेगा। यहाँ पर तो भाई 5-5 हज़ार का फ़ोन लेके लोग 3-3 हज़ार के नेकबैंड लेके डोल रहे हैं, मैंने देखा भाई काफ़ी लोगों को ऐसा करते हुए। तो अभी देखो मैं दो पॉइंट क्लियर कट आपको बताता हूँ, अगर आप लोग गेमर हो एंड अगर आप लोग को एक वैल्यू फॉर मनी फ़ोन देख रहे हो तो आप लोगों को इस फ़ोन से दूर हो जाना चाहिए। बट अगर आप लोग एक ऐसा फ़ोन देख रहे हो जहाँ पर आपको कर्व डिस्प्ले मिल जाए, कैमरा वाइज आपको काफ़ी ओपी फ़ोन मिल जाए, बैटरी आपको अच्छी खासी मिल जाए, क्योंकि इस प्राइस में ज़्यादातर जो फ़ोन आपको मिलेंगे वो पतले करने के चक्कर में अपने फ़ोनों के अंदर बैटरी काफ़ी कम कर देते हैं, 4,300-4,200 वगैरह कर देते हैं, बट इस फ़ोन में आपको मिलते हैं 4,900 mAh की बैटरी जो काफ़ी ज़्यादा सही है। 66W की फास्ट चार्जिंग मैं बोलूँगा मोर देन इनफ हो जाती है, तो ये चीज़ भी काफ़ी तगड़ी एंड एक यूनिक डिजाइन जो भी यूनिक नहीं रहा, क्योंकि वीवो ने पहले ये चीज प्रोवाइड कर रखी है एंड वीवो ने रियलमी के नाम से भी ये चीज प्रोवाइड कर रखी है, मतलब वीवो वीवो की ओप्पो ओप्पो की रियलमी वही बात पड़ जाती है। तो डिजाइन वाइज फोन स्टिल यूनिक है बट वीवो ने ये चीज पहले करके दिखा चुका है, तो इसलिए इतना ज्यादा यूनिक लग नहीं रहा। बाकी ये मैंने आपको बता दिया, अगर आप लोग को एक ऐसा फोन देख रहे हो जहां पर आपको कर्व डिस्प्ले मिल जाए, कैमरे अच्छे मिल जाए, बैटरी अच्छी मिल जाए, फास्ट चार्जिंग अच्छी मिल जाए, डिजाइन वाइज आपको अच्छा फोन मिल जाए या फिर दिखने में थोड़ा सा यूनिक फोन मिल जाए, तो आप लोग अपने वीवो की तरफ जा सकते हो, वीवो 25 Pro की तरफ। बाकी अगर आप लोगों की प्रायोरिटी वैल्यू फॉर मनी या फिर एक गेमिंग फोन आती है तब आप लोगों को इस फोन से दूर रहना चाहिए। तो अभी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ कि आपको ये फोन अच्छा लगा या नहीं लगा, आप लोगों का क्या कहना सोचना इस फोन के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को अपने फ्रेंड के शेयर कर लो, सके तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं कल की किसी वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।